गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द बंगाली बॉय। दोस्तों, वेस्टर्न म्यूज़िक क्लास जमशेदपुर, जो कि सोनारी जमशेदपुर में स्थित है, वहाँ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है एनुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट 2023 को लेके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है वेस्टर्न म्यूज़िक क्लास जमशेदपुर की तरफ से, उसके तरफ से क्या क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, आज हम लोग जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नोटिस जो है वेस्टर्न म्यूज़िक क्लास जमशेदपुर की तरफ से जारी किया गया है। डेट है 24 फरवरी 2023, यानी कि 24 फेब 2023 को ये नोटिस आया था। तो इसमें क्या क्या लिखा है अभी हम लोग देखेंगे। एनुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्टर्न म्यूज़िक क्लासेस जमशेदपुर, यानी कि ये वेस्टर्न म्यूज़िक क्लास जमशेदपुर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका एड्रेस भी देख सकते हैं, ऊपर में दिया हुआ है इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, ये सोनारी जमशेदपुर में ये एड्रेस है। मोबाइल नंबर भी इसका दिया हुआ है, आप चाहे तो नंबर पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। तो हम लोग अभी नोटिस को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि नोटिस में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है वेस्टर्न म्यूज़िक क्लास की तरफ से। तो मैं नोटिस को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर एनुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट 2023 ऑन सेकेंड और थर्ड वीकेंड ऑफ जून 2023 संडे एट जमशेदपुर। तो इन्होंने कहा है कि ये एनुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो है ये सेकेंड या थर्ड वीकेंड ऑफ जून को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये जमशेदपुर में होगा। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है एग्जैक्ट वेन्यू अभी इन्होंने नहीं दिया है। इनका पोस्टर भी एक रिलीज़ हुआ था वेस्टर्न म्यूज़िक क्लास का। और मैं आपको बता दूँ, इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारा जो चैनल है द बंगाली बॉय, ये हमारा डिजिटल पार्टनर है। तो इसीलिए मैं इनका जो भी ऑर्गेनाइज ये कर रहे हैं उसका वीडियो, उसका सारा कुछ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो ये पोस्टर था जो रिलीज़ हुआ था उनके तरफ से। तो इसमें भी वेन्यू का अभी कोई मेंशन नहीं किया गया है और ये लिखा गया है कि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है इन्होंने 30 मार्च को रखा है। पोस्टर में भी ये मेंशनड है, नीचे में एक डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो। अभी हम लोग नोटिस के सेकंड पेज में आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ मेंशन है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ मेंशन है कि ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर नेम्स लेटेस्ट बाई 30 मार्च 2023। दोस्तों, ये जो इन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन के बारे में, इन्होंने ये मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस कॉन्सर्ट में रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि ये अभी फ़िलहाल बाहर के जो अदर मतलब इंस्टीट्यूट के या कोई जो म्यूज़िक सीखते हैं वो गाना चाहते हैं या कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अभी उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा वो आप इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर एक बार डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया कि जो ऑलरेडी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स, वो ये रजिस्टर कर सकते हैं 30 मार्च के पहले। और इन्होंने बैंड प्रैक्टिस का टाइम भी यहाँ मेंशन किया है। बैंड प्रैक्टिस टाइम विल बी डिसाइडेड आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ड्यूरिंग फुल समर वेकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस मंथ, और इसी कारण से उन्होंने ये नोटिस में दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है स्टूडेंट्स के ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस सेशंस भी चालू होगा और समर वेकेशन में पूरा तरह फुल समर वेकेशन में प्रैक्टिस होगा। इफ़ एनी पेरेंट्स इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन पेइंग द कंट्रीब्यूशन अमाउंट देन ही और शी कैन पे बाई चेक टिल लास्ट डेट ऑफ अप्रैल 2023। तो इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी रखा है जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जिन पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे करने के लिए, तो वो चेक के थ्रू पे कर सकते हैं। और इनका लास्ट डेट जो इन्होंने मेंशन किया वो अप्रैल 2023 को मेंशन किया है, टिल लास्ट डेट ऑफ अप्रैल 2023।
ये चेक जो है इन फेवर ऑफ बेंजामिन दासी, ये नाम है इनके फेवर में, ये चेक आपको देना है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप देना चाहते हैं। और बेंजामिन दास का यहाँ पे जो डिजिग्नेशन है वो भी मेंशन किया है, ये HOD है, पियानो के, वेस्टर्न म्यूजिक क्लास जमशेदपुर के। और अदर ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे मेंशनड है, जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट अगर आप देना चाहते हैं चेक के अलावा, तो ऑनलाइन UPI के मोड से भी आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है, तो आप जिस तरह से भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट को पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और नीचे ये मेंशनड है लास्ट पॉइंट में, ऑल स्टूडेंट पेरेंट्स एंड म्यूजिक लवर्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर म्यूजिकल जर्नी एंड सक्सेस। तो जिन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है वो इस ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है, ये मोबाइल नंबर, इस पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको और भी जानकारी इसमें मिलेगा। और ये जो नोटिस रिलीज़ किया गया है ये एडमिन से रिलीज़ हुआ है, वेस्टर्न म्यूजिक क्लास जमशेदपुर का। आगे अगर और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जल्द से जल्द इस चैनल पर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आज ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।